हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी खास न्यू व्हाट्सअप ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमारे और आपकी लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती हैं। मैं आज इसमें व्हाट्सअप की 3 ट्रिक बताने वाला हूं, न्यू ट्रिक जो कि अभी अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपना व्हाट्सअप अपडेट नहीं किया है तो व्हाट्सअप अपडेट कर लें। अपना प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सअप मैसेंजर सर्च करके ये अपना व्हाट्सअप को अपडेट कर लें। मैंने पहले ही अपडेट करके रखा है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। एंड व्हाट्सअप ओपन करते ही फ्रेंड्स, मैं अपने कोई भी ग्रुप में चला जाता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रुप वाली बात बता दे रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही खास है। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। फिर आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे जाना है, ग्रुप इन्फो पे क्लिक करना है। ग्रुप इन्फॉर्मेशन में जाते ही आपको कुछ इस तरह का दिखेगा इंटरफेस। तो अगर आपने अपना व्हाट्सअप ओपन किया हो, सॉरी फ्रेंड्स, अगर व्हाट्सअप अपना अपडेट किया होगा तभी ये आएगा। तो चलिए आपको सबसे देखिए, यहाँ पे अभी तक लिखा रहता था म्यूट नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन और ये वाला ऑप्शन था। तो उसके बाद लॉक का जो वेरीफाई का ऑप्शन था, उसके नीचे और कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये अभी अभी न्यू ऑप्शन आया है अपडेट करने के बाद, ग्रुप सेटिंग पे क्लिक करते ही आपको अब एडिट ग्रुप इन्फो पे जाएंगे। तो अभी तक आपके मोबाइल में ये होगा ऑल पार्टिसिपेंट्स, तो इस पर आपको इसको हटा के ओनली एडमिन कर देना है। तो ओनली एडमिन करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जैसे इस ग्रुप में 3 ग्रुप एडमिन्स हैं और मैं हूँ, तो 4 ग्रुप एडमिन्स हुए इसमें। तो इसमें जो इसमें 4 ग्रुप एडमिन है, तो सिर्फ 4 ही ग्रुप एडमिन्स के अलावा इसमें ना तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, तो ना तो कोई डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता है और ना ही ग्रुप आइकॉन, ना ग्रुप सब्जेक्ट नेम, कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकता है। सिर्फ कुछ इसमें पोस्ट कर सकता है और पोस्ट रह सकते हैं और बाकी और इसमें ना कोई चेंज कर सकता है और ना सब्जेक्ट कर सकता है, ना किसी को रिमूव कर सकता है, ना किसी को ऐड, ना कुछ भी वगैरह वगैरह जो कुछ भी करते थे ऑल पार्टिसिपेंट्स जो भी ग्रुप में रहते थे तो अभी तक चेंज कर देते थे, तो वो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको अब दूसरी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे मैं मान लीजिए कि इसके पास भेज रहा हूँ कोई भी फ़ोटो, तो मान लीजिए कि मैं अभी कैप्चर कर लेता हूँ एक फ़ोटो, तो मान लीजिए कि फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ मैं, तो ये लीजिए कैप्चर कर लिया। एंड इस पे हमें ये जो ऊपर इमोजी का निशान दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ पे इमोजी का निशान दिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और आप अपना इसमें करंट टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसमें करंट सेट टाइम सेट करने के बाद आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए तो ठीक दिख रहा है, इसको रहने देता हूँ। तो ये तो आपका करंट टाइम सेट हो गया आपके फ़ोटो पे। एंड सेकेंड नंबर आपको इसमें दिखेगा लोकेशन, ये जो कि अभी तक लोकेशन का ऑप्शन नहीं था, तो इस लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो आपका मैप ऑन हो जाएगा और मैप ओपन होते ही आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका सेलेक्ट योर करंट लोकेशन पे क्लिक करना है। एंड ये करेंट लोकेशन अपना ले लेता है, इसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ये कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जहाँ पे फ़ोटो कैप्चर किए हैं वहाँ की लोकेशन बताता रहेगा हमेशा जब तक ये फ़ोटो रहेगा। चलिए इसको सेंड करके देख लेते हैं। तो जैसे फ़ोटो सेंड किया मैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ़ोटो सेंड हो जाए। देखिए सेंड हो चुका है, तो इस पर तो हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, टाइमिंग पे जो टाइमिंग था वही रहेगा, लेकिन लोकेशन पे हमें टच करते ही सी लोकेशन का ऑप्शन आएगा। सी लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैप खुल जाएगा और जहाँ पे मैं ये फ़ोटो कैप्चर किया हूँ वहाँ का मेरा तुरंत लोकेशन बता देगा। तो फ्रेंड्स, ये लोकेशन बता चुका है जहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो कैप्चर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा जो कि उसे दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाल बटन दबाते ही आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें जिससे कि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये होगा ये ट्रिक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।